सीरियल अनुपमा में ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रैक चल रहा है। एक तरफ तो गोपी काका को प्रॉमिस कर दिया है अनुपमा ने कि वो अनुज से अपने दिल की बात कह देगी, तो दूसरी तरफ काव्या और मालविका के बीच में एक अनोखा गेम चल रहा है जहां काव्या को मालविका ने पति चोर कह दिया है। मतलब दोनों एक दूसरे पर ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि यहां पर जो पति है यानी वनराज, जब वो चोरी होने के लिए आतुर हो तो भैया इसमें महिलाओं को कोई क्या कहे। मुझे पता है तू अनुज से प्यार करती है, लेकिन एक बार मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, सच सच बता, तुझे अनुज की कसम करती हूँ। थैंक यू बेटा, इस बूढ़ी आंखों को उम्मीद देने के लिए थैंक यू बेटा। अनुपमा को अनुज कबूल है और ये इकरार खुद अनुपमा ने गोपी काका के सामने किया है, क्योंकि जो बात जबां पर आते आते रुक जाती थी आज बेधड़क होकर अनुपमा ने मान लिया है। बस देरी है इजहारे इश्क की, वो भी अनुज के सामने। तो हर हाल में अनुज का साथ देगी, लेकिन वादा कर अनु कि तब तो अपने दिल की बात उसको कह देगी। अभी इंतजार करना चाहती है तो कर, लेकिन वादा कर के हमेशा के लिए तो इंतजार नहीं करेगी। ठीक है काका, वादा। अनुपमा ने वादा तो कर लिया है गोपी काका से, अब देखना होगा कि कब अनुपमा अपने दिल की बात अनुज को बताएगी। अब अनुज जैसा लड़का कोई भला कैसे हाथ से जाने देगा। जो लड़का साड़ी का पल्लू ठीक करे तो समझ लो जिंदगी की हर सिलवटें वो ठीक करने की सलाहियत रखता है। हमारी साड़ी की प्लीज ठीक करने के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच तक छोड़ देता। हो गया। क्या हुआ? एक तरफ इनकी इश्किया चल रही है तो दूसरी तरफ मालविका और काव्या के झगड़े कि कौन है पति चोर। तो फिर बार बार मेरे हस्बैंड के गले क्यों मिलती रहती हो तुम? ठीक है तुम दोनों साथ में काम करते हो तो फिर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहो, हाय हेलो करो, नमस्ते करो, ये सब करो ना, बार बार गले मिलना बंद करो, समझी? ये फोटो तो हुलुलुलु की होगी ना, क्योंकि इंडिया में साथ काम करने वाले लोग ऐसे गले नहीं पड़ते। एंड जस्ट बाय द वे, ये जो फोटो है वो तब की है जब राज अनुपमा का हस्बैंड था। अरे दीदी यार, सब लोग ना तुम्हारी तरह पीसी नहीं होते। व्हाट द हेल इज पीसी? पति चोर। इश्क को पाने के लिए हर कोई अपना जोर लगा रहा है, कोई साजिश रच रहा है तो कोई पाकीजा मोहब्बत को पाने की चाह कर रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।